Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. Question number 5, NCERT. A hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark, but gives a single monochloro compound, that is C5H9Cl, in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. अब आप देखिए, आपको पता है ये जो formula है वो क्या C5H10, ठीक है ना? C5H10 अगर हम देखें, formula है CnH2n का. जो हमारा CnH2n formula होता है वो दो तरह के hydrocarbon का होता है. एक तो हमने लिखा alkene का और दूसरा हमने डिस्कस किया दैट इज साइक्लो एल्केन का. क्लियर है? आपको पता है इन द ब्राइट सनलाइट जितने भी एल्केन्स होते हैं वो हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं, मींस एडिशन ऑफ हैलोजन होगा. और यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है C5H9Cl. तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा C5H10 वो साइक्लो डेरिवेटिव होगा. कौन सा होगा? साइक्लो डेरिवेटिव, ठीक है ना? अब क्या करना है हमें, इसकी रिएक्शन प्रोसीड करके दिखानी है कि हमने देखा जो हमारा साइक्लो डेरिवेटिव है पांच कार्बन का, जिसको हम बोल रहे हैं साइक्लोपेंटेन. ये साइक्लोपेंटेन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मोनो क्लोरो साइक्लोपेंटेन. और सिंपली हम इसको कहते हैं क्लोरो साइक्लो पेंटेन. क्लियर है? बट वहीं डार्क में कोई क्लोरीनेशन नहीं होता, देर इज नो रिएक्शन. तो इसका मतलब जो हमारा C5H10 है वो है साइक्लोपेंटेन. ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर?